मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। तीन कृषि कानून को लेकर शुरू हुई किसानों की लड़ाई अभी जारी है। सड़क पर बैठने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया तो दिल्ली पुलिस ने टीकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटा तो दिए, लेकिन अभी किसान वहां जमे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद राकेश टिकैत ने कहा था कि उन्होंने यातायात कब अवरुद्ध किया है, दिल्ली पुलिस ने किया है, लिहाजा वह बैरिकेड्स हटाए। अब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चेताया है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों द्वारा दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। साथ ही बॉर्डर से जबरन किसानों को हटाया गया तो देश के दफ्तरों को गल्ला मंडी बना दिया जाएगा। दरअसल बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद किसानों को आशंका है कि अब उन्हें जबरन हटाया जा सकता है। इसे देखते हुए राकेश टिकैत वे बाकी किसान नेताओं के बयान सामने आए हैं। NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर तीसरे दिन भी एम्बुलेंस और चार पहिया छोटे वाहन ही निकल पाए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चौड़ूनी ने इस बीच केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जबरन हटाया गया तो पीएम के दरवाजे पर किसान दिवाली मनाएंगे। इसका उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया। साथियों, सरकार कई दिन से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफरा तफरी है। चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी सरकार। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भड़खे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे। और आपको भी कहते हैं, आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहां पे डेरा डालेंगे और अब की दिवाली वहां पे मनाएंगे। तो सरकार को दोबारा से चेतावनी है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई रास्ते किसानों को जबरदस्ती के उठाने की तैयारी करती है तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और उसके लिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि पूरा ध्यान रखें, अपने सारे भाइयों में चौकस रहें। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है, अगर रात को मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की तरफ चल पड़ूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।